खनियारा में बारिश से भारी तबाही, आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त और चार दुकानें ढही, दो पुल बहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा में शुक्रवार को जोरदार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के चलते इंद्रनाग मंदिर के साथ लगते नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इससे एक कार और टेम्पो समेत आधा दर्जन वाहन मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि चार दुकानें ढह गई। कई घरों, दुकानों और नाले के साथ लगते राशन डिपो में मलबा घुस गया। लोग इसे बादल फटना बता रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने बादल फटने की पुष्टि नहीं की है। नाले में आई बाढ़ से दो पुल बह गए, एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि जिन मकानों में मलबा घुसा है वे मकान खाली थे, क्योंकि उन मकानों के मालिक दूसरे राज्य में रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र में एक जोरदार धमाके के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई, साथ ही नाले में बाढ़ आ गई। शुक्रवार को किसी कारण से सरकारी राशन डिपो बंद था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि डिपो में मलबा घुस गया। डीआईजी बिमल गुप्ता, मधुसूदन समेत 112 अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शुक्रवार को डीजीपी डिस्क अवार्ड देने के निर्देश जारी कर दिए। डीआईजी पीटीसी बिमल गुप्ता, डीआईजी सीआर मधुसूदन, राज्यपाल के एडीसी रमन कुमार मीणा, एसपी विजिलेंस अंजुम आरा, एसपी मंडल शालिनी अग्निहोत्री, एसपी पुलिस मुख्यालय डॉक्टर रमेश छाछा समेत 112 अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक 5 सितंबर को होंगे कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 5 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को अब मेडिकल और कैजुअल लीव भी मिलेगी। 5 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। यह शिक्षक काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2555 शिक्षकों को फायदा होगा। पर्यटन स्थलों के सड़कों की मरम्मत भी 5 के बजाय 3 साल में की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने विभाग अध्यक्षों को एजेंडा तैयार करने को कहा है। वहीं बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के अलावा कई स्कूल अपग्रेड होंगे। कई उप तहसीलों का दर्जा बढ़ाकर तहसील बनाया जाएगा। प्रथम मतदाता श्याम शरण बोले, 106 साल की उम्र में भी वोट डालने के लिए तैयार हूं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने शुक्रवार को भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी से मुलाकात की। उनके साथ 18 साल पूरा कर पहली बार मतदाता सूची में शामिल नव युवा मतदाता भी मौजूद रहे। देश के प्रथम मतदाता ने युवाओं को मतदान का महत्व समझाया, कहा कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए मतदान करना अति आवश्यक है। वह 106 वर्ष के होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार हैं। नेगी ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि श्याम शरण न केवल किन्नौर, हिमाचल बल्कि देश के आइकॉन हैं। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मतदान अवश्य करना चाहिए। हिमाचल में कोरोना मामलों में कमी, रिकवरी रेट में तेजी से सुधार, सक्रिय के 721। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। बूस्टर डोज लगाए जाने से लोगों का बीमारी से बचाव हो रहा है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा अब 721 रह गया है। अस्पतालों में 35 मरीज उपचाराधीन हैं। 15 दिन पहले यह आंकड़ा 95 था। जिला कांगड़ा और शिमला को छोड़कर अन्य जिलों में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 100 से नीचे है। मामले में गिरावट आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। जिला कांगड़ा में वर्तमान में 188, शिमला में 100, मंडी में 99, हमीरपुर में 64, सोलन में 50, बिलासपुर, कुल्लू और सिरमौर में 46, किन्नौर में 31, ऊना में 27, चंबा में 13 और लाहौल स्पीति में 11 सक्रिय मामले हैं। हिमाचल के 16 अध्यापकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार, सरकार ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। 100 अंकों के आधार पर 51 आवेदनों में से 12 शिक्षकों का चयन किया गया है। 3 शिक्षकों को सरकार की गठित राज्य चयन कमेटी ने चुना है। बीते वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सोलन के शिक्षक कमल किशोर को इस बार राज्य पुरस्कार मिलेगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राजभवन शिमला में शाम 5:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। जिला शिमला के हाजल प्राइमरी स्कूल की JBT अनुराधा 81 अंकों के साथ चयनित 12 शिक्षकों में अव्वल रही है। कांगड़ा के प्राइमरी स्कूल भलाड़ के मुख्य अध्यापक संजीव कुमार 78 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
चंबा कांगड़ा के युवा हो जाए तैयार, 11 से पालमपुर में होगी सेना भर्ती। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिले के पात्र उम्मीदवारों के लिए 11 सितंबर से पालमपुर में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती निदेशक कर्नल राजीव रंजन ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरकृत और स्वचालित है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों का पूर्ण विवरण एकत्रित किया जाता है। किसी भी भर्ती में डाटा के विवरण को बारीकी से जांचा जाता है। उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार ने फर्जी दस्तावेज पेश किया तो वह केवल इस एक भर्ती से ही नहीं बल्कि आगे की भर्ती से भी अयोग्य हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भर्ती में उम्मीदवार का संग्रहित किया गया संपूर्ण डेटा स्वचालित तरीके से जांचा जाता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की प्रतिदिन कमाई 2 करोड़, खर्चा 4.5 करोड़। हिमाचल पथ परिवहन निगम की प्रतिदिन की कमाई 2 करोड़ रुपए है जबकि खर्चा 4 करोड़ रुपए हो जाता है। हालत ये है कि प्रतिदिन कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, TA, DA, चिकित्सा बिल, डीजल व अन्य खर्चे पूरे करने के लिए हर माह निगम सरकार से करीब 62 करोड़ रुपए कर्जा ले रहा है। निगम के 90% रूट घाटे में चल रहे हैं, 5% रूट ही फायदे में है जबकि 5% रूटों पर निगम को ना लाभ हो रहा ना हानि। कोरोना महामारी के बाद से तो परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति पटरी पर लौटी ही नहीं। चंबाघाट के पास तिरपाल में लिपटा मिला महिला का शव, मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के चंबाघाट के समीप एक महिला का शव बरामद हुआ है। महिला का शव तिरपाल में लिपटा हुआ मिला है और शरीर पर कई निशान पाए गए हैं। मृतक महिला राजस्थान की बताई जा रही है और 2 दिनों से लापता थी। वह अपने पति के साथ चंबाघाट में बीते कई सालों से रह रही थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में नकली दवाइयां बना रही कंपनी का भंडाफोड़, ड्रग कंट्रोलर ने की सील, प्रबंधक फरार। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नकली दवाइयां बनाने और बेचने का मामला सामने आया है। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने कार्रवाई करते हुए इस फर्जी फार्मा कंपनी को सील कर दिया है। यही नहीं, ड्रग कंट्रोलर विभाग ने भारी मात्रा में नकली दवाइयां भी बरामद की है। वहीं दवाइयों से भरी एक गाड़ी को विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। मामले की भनक लगते ही इस फर्जी फार्मा कंपनी का प्रबंधक पंजाब निवासी फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने इस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस आर्य फार्मा कंपनी पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी का प्रबंधक गौरव पंचाल लुधियाना का रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।